हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे हाउ टू स्क्रीन शॉट ऑन विंडोज़। तो विंडोज़ में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आपकी स्क्रीन का, तो उसके लिए शॉर्ट की होती है प्रिंट स्कैन और प्रिंट एस सी, यानी प्रिंट स्क्रीन की शॉर्ट की होती है जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, जहाँ F1, F12, F12, F11 होता है। F12 के बाद ही होती है ये स्क्रीन ज़्यादातर अलग से। तो जिसके कीबोर्ड में ये है तो वह वहाँ से जो भी स्क्रीन उसको कॉपी करनी है उसको सिर्फ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा देना, वो कॉपी हो जाएगी। फिर आप उसको पेंट का वो खोल के और उसमें उसको कंट्रोल भी कर देना है। वहाँ पे आपने जो आपने प्रिंट स्कैन दबाया वो जेब वहाँ पर आ जाएगी, अपने आप ही पेस्ट हो जाएगी इमेज और उसकी कॉपी बन जाती है प्रिंट स्कैन दबाने से, जो भी हमारी स्क्रीन है। और फिर उसको आपको पेंट में JPEG या PNG में सेव कर देना है, जहाँ भी आपको उसको सेव करना है। तो आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो जाता है। ये तो इसका होता है एक। फिर उसके बाद आती है मेथड में भी सेम ही होता है, जो आपको ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन का जो की है उसको दबा के आप कॉपी कर सकते हैं और पेंट में जाकर उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद देन उसको सेव कर सकते हैं। तो ये ऑल्ट के साथ कॉपी करने का वैसे प्रिंट स्क्रीन से भी हो जाता है, जिसमें प्रिंट स्क्रीन सिर्फ से नहीं हो रहा है तो वो ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन का दबा के से कॉपी कर सकता है उस स्क्रीन को, तो उससे आपकी कॉपी हो जाएगी। फिर उसके आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाकर जो भी एडिटिंग इमेज का कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें आप उसको पेस्ट कर देते हैं और फिर देन उसको सेव एज कर सेव कर सकते हैं, जहाँ पे तो आपको उसे सेव करना है। थर्ड मेथड में हम देखते हैं जो एक विंडो 10 में, विंडो 7 में, ये सभी विंडो में तकरीबन एक स्निपिंग टूल होता है। आप उसको स्टार्ट में जाके उसे सर्च करना है, स्निपिंग टूल। आप उसको सर्च करेंगे, स्निपिंग टूल आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें न्यू करके स्टार्ट करेंगे, न्यू का ऑप्शन, और उसमें फिर आपको एक थोड़ी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी। फिर आपको अपना जो कर्सर है उसको जिस जौन सा भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है, जितना भी आपका स्क्रीन शॉट खींचना है उसको आप खींच सकते हैं और फिर देन आपको उस एडिटर के टूल में खुल जाएगा, स्निपिंग टूल के ही आप उसको सेव कर लेना है। वो स्निपिंग टूल के ही ऐप में सेव हो जाएगा और जहाँ भी स्क्रीन शॉट सेव होते हैं वहाँ पर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर हम हमने स्निपिंग टूल का मैन्युअली ओपन किया था पिछले उसमें। अब इसमें हम एक शॉर्ट की होती है स्निपिंग टूल ओपन करने की, आप करोगे प्रेस विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये तीनों को एक साथ दबाओगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो डिम हो जाएगी लाइट उसकी, क्योंकि स्निपिंग टूल खुल गया है, वो आपकी जो डार्क स्क्रीन आ जाती है। फिर आपको कर्सर जितना भी सिलेक्ट करना है आपको उतना सिलेक्ट कर लीजिए। रेक्टेंगुलर स्निप करना है, फ्री फॉर्म स्निप करना है, विंडो स्निप करना है, इसमें ऑप्शन होते हैं स्निपिंग टूल में आपको किस तरह के चाहिए। आपको फुल स्क्रीन चाहिए, पूरी फुल स्क्रीन की खींचनी है, या सिर्फ विंडो जो आप खुली हुई है उसकी आपको स्क्रीन शॉट लेना है, या आपको एडजस्ट करना है कि मुझे किस इस स्पेसिफिक पार्ट की ही स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप इन चीज़ों में सिलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो फिर आप जैसे ही स्क्रीनशॉट खींचेंगे तो वो स्निपिंग जो स्केच एडिटर है उसमें खुलेगा, फिर देन उसको आपको सेव कर लेना। अगर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ आपको कुछ हाईलाइटर होता है उससे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं वहाँ पर, और फिर देन उसको सेव कर सकते हैं, वो सेव हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। थैंक्स एंड कीप लर्निंग। बस ये चार ही मेथड थे इसमें स्क्रीनशॉट में, आप और भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई शॉट की स्क्रीनशॉट खींचने की कोई मेथड हो, और आप अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रिमेम्बर हो जाएगा, नहीं जिनको नहीं पता उनके लिए यह नई चीज़ होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।